यूपी के मथुरा जनपद में सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा होली गेट से लेकर आर्य समाज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू किया गया, जिसमें भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ साथ कई महिला पुलिस कर्मियां भी मौजूद थी। इस दौरान जेसीबी मशीनों से कई दुकानों के बाहर बने अवैध निर्माण को हटाया गया, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने विरोध जताया एवं अपनी दुकानें बंद की। जहां इस अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अधिकारियों ने वापस अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। पेश से हमारे मथुरा के संवाददाता हेमंत कटारा की ये खास रिपोर्ट। सीआईसी इंटर कॉलेज से होते हुए नगर निगम ऑफिस होते हुए होली गेट चौराहे तक किराए तक हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और ये अभियान लगातार एक पखवाड़े तक चलेगा। जो भी अतिक्रमण है उन्हें हमने व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया है, वार्ता की है कि आप लोग जो नाली पर या बढ़ करके जो आप लोग अवरोध कर रहे हैं उसको तत्काल हटा लें। यदि वो हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं हटाते हैं तो उसे हटा करके और हटाने में आए हुए खर्च को उनसे वसूल भी किया जाएगा। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा लगातार। देखा गया था सर आपके द्वारा हटवाया जा रहा था, कुछ व्यापारियों का विरोध था, उनके खिलाफ क्या विरोध? देखिए अब हटा रहे हैं तो विरोध होगा, लेकिन फिलहाल उनको हम समझा करके कि देखिए ये गलत है, इसको आप हटा लें, स्वयं हटा लें, हमें ना हटाना पड़े, हम उनको बताया चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया, व्यापारियों द्वारा सहयोग भी किया गया है, उन लोगों ने अपना स्वयं हटाया है और जिन्होंने हटाने से आनाकानी करी है उसको जबरदस्ती हटा दिया गया। सर बताएं यहाँ क्या घटना हुई है और क्यों इतना पुलिस बल तैनात हुआ है? कोई घटना नहीं हुई है, अतिक्रमण हटाया जा रहा था। जो अस्थायी अतिक्रमण है जीआईसी से लेकर होली गेट तक एक अभियान चला है, अस्थायी अतिक्रमण हटवाया गया है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सभी से मेरी अपील है, जो भी यहाँ व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, कि अपना जो उनको खुद पता है कि उन्होंने कितना अतिक्रमण किया है उसको तत्काल हटवा लें, ताकि आगे ये अभियान चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। इसमें सभी व्यापारी भाइयों का, सभी संगठन का सहयोग अपेक्षित। सर अतिक्रमण हटा गया तो किन्हीं लोगों ने विरोध भी किया है इसका? नहीं, विरोध की बात नहीं आई है। इसमें ये है कि उन्होंने ये बताया कि 3 फीट या 2 फीट का है, तो कल एक मीटिंग रखी गई, उसमें वो अपनी बात रखेंगे। फिलहाल जो भी अस्थायी अतिक्रमण था उसको हटवा दिया। थैंक यू। सानी जी बताइए, प्रशासन ने अभियान चलाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पहली बात तो ये है कि प्रशासन द्वारा जो अभियान चलाया गया उसमें व्यापार मंडल को गुटभेद में नहीं लिया गया, और जबकि हमेशा ये तय है कोई भी कार्यक्रम अगर प्रशासन शहर के अंदर लेगा तो विभिन्न संगठनों से पहले बैठ के मीटिंग करेगा और वो मानक तय करेंगे। पूर्व में माननीय एडीएम साहब, माननीय डीएम साहब से हमारी ये तय हुई थी कि 3 फुट का 3 शेड हर व्यापारी लगा सकता है, जिसकी छांव भी मिलेगी कस्टमर को और बारिश का भी पानी अंदर नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी व्यापारी ने नाली के ऊपर किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट कर रखा है तो प्रशासन उसको पूर्ण रूपेण हटाए, व्यापार मंडल उसमें पूर्ण रूपेण सहयोग करेगा प्रशासन को। अभी पता चला है कि कुछ लोगों में आक्रोश है, इस बारे में आप क्या क्या कहना है? देखिए जब कहीं कोई दिक्कत आ रही है, व्यापारी ये कह रहा है कि मैं इसको 1 घंटे में हटा दूंगा, तो इनको 1 घंटे का टाइम दे देना चाहिए और वो हटा लेता है। अगर वो नहीं हटाता है तो प्रशासन के डंडे में तो बहुत जोर है, वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उसमें दंडात्मक कार्रवाई करे। शहर हमारी मंशा एक ही है, ये शहर हमारा है, इस शहर में हम पैदा हुए हैं, मथुरा विश्वविख्यात शहर है, पूरे विश्व के अंदर पहचाना जाता है। हम नहीं चाहते हैं इस शहर की फिजा खराब हो, जनता में आक्रोश पैदा हो, शांति प्रिय काम हो। प्रशासन को जो भी सहयोग चाहिए वे व्यापार मंडल से सहयोग ले, व्यापारी का किसी प्रकार का उत्पीड़न